I am going to discuss about functional isomerism. The compound having the same molecular formula, but different functional group. Are said to exhibit with functional isomerism. Such a compound are termed functional isomer. For example, there are two compounds having the molecular formula is C2H6O. For example, C2H6O मैं लेती हूँ, ठीक? ईथर बना रही हूँ इससे. फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट रहेगा, बट मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा. नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे रहेंगे. देखिए CH3 O CH3, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी. और इधर वाला ग्रुप जो छूट गया, मिथेन. या इसका डाई मिथाइल ईथर, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है. एंड दूसरा बनाती हूँ अल्कोहल. यहाँ पे C2H5OH, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में टू कार्बन, हाइड्रोजन फाइव इधर, 1 6 एंड 1 ऑक्सीजन. मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप यहाँ डिफरेंट है. इसका नाम हो गया इथेनॉल. ठीक, ऐसे बोलेंगे, इथाइल अल्कोहल भी बोलेंगे, इथाइल अल्कोहल. दूसरा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल C3H6O रिप्रेजेंट करेगा टू फंक्शनल आइसोमर मैरिज. एल्डिहाइड, पहले एल्डिहाइड बना रही हूँ. एल्डिहाइड CH3CH3CHO, ये हो जाएगा प्रोपेनल्डिहाइड. मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तीन कार्बन है, हाइड्रोजन सिक्स है, एंड एक ऑक्सीजन है. नंबर ऑफ कार्बन थ्री है, हाइड्रोजन सिक्स है, यहाँ थ्री, यहाँ टू, एक वन, सिक्स हो गया, वन ऑक्सीजन है. प्रोपेनल डिहाइड एंड यहाँ कीटोन फॉर्म, टू आइसोमे फंक्शनल आइसोमर्स दे रहा है ये, थ्री C3H6O एंड यहाँ CH3CO CH3. आप लोग इस फंक्शनल ग्रुप को जानते हैं, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है. इसका नाम हो गया एसीटोन, या इसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन थ्री, तो प्रोप एन, ई हटा के ऑन जोड़ देंगे, ओ एन ई, प्रोपेनॉन. थैंक यू.